हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड, इसके कितने प्रकार होते हैं और क्या होता है रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड डेट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इक्विटी वेज में। एज अ शेयर होल्डर आप दो तरह से अपने स्टॉक से प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक तरीका होता है कैपिटल एप्रिसिएशन और दूसरा तरीका होता है डिविडेंड इनकम। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू का बढ़ना। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ समय पहले किसी कंपनी का शेयर 100 रुपीज़ में खरीदा था जिसका आज का प्राइस 120 रुपये हो गया है, तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा 20 रुपये या 20%। चलिए अब हम जानते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। कोई भी कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट को कई तरह से यूज कर सकती है, जैसे कि कंपनी का फर्दर एक्सपेंशन करना या न्यू प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च करना, किसी और प्रॉफिटेबल जगह पे इन्वेस्ट करना या अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। जब कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है तो इसे डिविडेंड कहते हैं। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता। डिविडेंड कितना देना है और देना है भी या नहीं, ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। कुछ साल पहले तक जो कंपनियां डिविडेंड देती थीं, वो फेस वैल्यू के परसेंटेज बेसिस पे डिविडेंड डिक्लेयर करती थी। डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट फेस वैल्यू होता है, इस वजह से शेयर होल्डर्स में काफी कंफ्यूजन रहता था कि उन्हें कितना डिविडेंड मिलेगा। अब देखते हैं कि पहले डिविडेंड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता था। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपए का है और उसने 30% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इसका मतलब यह है कि कंपनी फेस वैल्यू का 30% डिविडेंड में देगी, यानी कि 10 रुपए के फेस वैल्यू का 30% होता है 3 रुपए, तो सारे शेयर होल्डर्स को 3 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड मिलेगा। अब कुछ समय पहले सेबी, जो कि इंडिया के शेयर मार्केट को गवर्न और रेगुलेट करती है, उन्होंने कहा कि सारी कंपनियां अब रुपी पर शेयर बेसिस पे डिविडेंड डिक्लेयर करें। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमारी एग्जाम्पल वाली कंपनी उतना ही डिविडेंड इस बार फिर से डिक्लेयर करेगी, तो अब उसे कुछ इस तरह से डिविडेंड डिक्लेयर करना होगा, 30% ऑफ फेस वैल्यू यानी कि 3 रुपए प्रति शेयर। तो अब आपको अलग से कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम डिविडेंड यील्ड को समझते हैं। शेयर के करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, उसे हम डिविडेंड यील्ड कहते हैं। अलग अलग स्टॉक्स जो कि अलग अलग रेट पे ट्रेड कर रहे हैं, उनको आपस में कंपेयर करने के लिए डिविडेंड यील्ड का यूज किया जाता है। आइए हम दो कंपनीज का डिविडेंड यील्ड कंपेयर करते हैं। मान लीजिए कि दो कंपनीज है जिसमें से एक ने 10 रुपए का डिविडेंड दिया और दूसरे ने 5 रुपए का डिविडेंड दिया। पहली कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 175 रुपए और दूसरी कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 90 रुपए। तो ऐसे में ये पता करने के लिए कि किस कंपनी ने ज्यादा डिविडेंड दिया है, हम डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करते हैं। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ दैट शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारे फर्स्ट कंपनी का डिविडेंड यील्ड होगा 10 रुपए डिवाइडेड बाय 175 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू 5.7%। वहीं दूसरी कंपनी का डिविडेंड यील्ड होगा 5 रुपए डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू 5.5%। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि फर्स्ट कंपनी के शेयर होल्डर्स को सेकंड कंपनी के शेयर होल्डर्स से ज्यादा डिविडेंड मिला। तो चलिए अब हम डिविडेंड से रिलेटेड कुछ दूसरे टर्म्स के बारे में जानते हैं। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, ये वो डेट है जिस डेट पे डिविडेंड डिक्लेयर किया गया। जनरली डिविडेंड्स एनुअल जनरल मीटिंग या क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग्स में डिक्लेयर किया जाता है। रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट वो डेट होता है जिस दिन कंपनी अपने करंट शेयर होल्डर्स का लिस्ट बनाती है और उस हिसाब से ये कैलकुलेट किया जाता है कि वो कितना शेयर्स होल्ड कर रहे हैं और उन्हें कितना डिविडेंड मिलेगा। यानी कि रिकॉर्ड डेट के दिन जिन शेयर होल्डर्स के डीमैट अकाउंट में शेयर्स होंगे,
सिर्फ उन्हीं को डिविडेंट मिलेगा। एक्स डिविडेंट डेट या एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट से दो दिन पहले वाले डेट को एक्स डिविडेंट डेट कहा जाता है। अगर आपको डिविडेंट लेना है तो आपको शेयर्स इस डेट के पहले खरीदना होगा। इसका वजह यह है कि इंडिया में T+2 सेटलमेंट होता है। T+2 सेटलमेंट का मतलब है कि अगर आपने आज कोई शेयर खरीदा है तो उसे आपके अकाउंट में आने में दो दिन लगते हैं। तो डिविडेंड पाने के लिए आपको एक्स डिविडेंड डेट से पहले शेयर्स खरीदना होगा, तभी रिकॉर्ड डेट के दिन आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स होंगे और आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो मान लीजिए कि आपने मंडे को कोई स्टॉक लिया है तो T+2 सेटलमेंट के हिसाब से वेडनेसडे को एंड ऑफ द डे वो शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। यहां हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि मंडे और वेडनेसडे के बीच में कोई हॉलीडे नहीं था। वहीं अगर आपने थर्सडे को शेयर्स खरीदा तो T+2 सेटलमेंट के हिसाब से मंडे को एंड ऑफ द डे वो शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, क्योंकि सैटरडे और संडे मार्केट हॉलीडे होता है और T+2 कैलकुलेशन में हॉलीडेज को इंक्लूड नहीं किया जाता। इस वजह से शेयर्स आपके अकाउंट में मंडे को क्रेडिट होंगे। एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि 2 जनवरी को एक कंपनी ने 2 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया और रिकॉर्ड डेट 7 फरवरी रखा गया। जनरली डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट और रिकॉर्ड डेट में 30 दिनों का डिफरेंस होता है, लेकिन ये थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। अब रिकॉर्ड डेट के हिसाब से अगर आपके डीमैट अकाउंट में 7 फरवरी को कंपनी के शेयर्स हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा। अब बात करते हैं एक्स डिविडेंड डेट का। एक्स डिविडेंड डेट रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले का होता है, तो हमारा एक्स डिविडेंड डेट होगा 5 फरवरी। अब अगर आपने 5 फरवरी से पहले शेयर्स खरीदा है तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आपने 5 फरवरी को या उसके बाद शेयर्स खरीदा है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड पे आउट डेट, ये वो डेट होता है जिस दिन डिविडेंड अमाउंट एक्चुअली में कंपनी द्वारा पे किया जाता है और जनरली 1 से 2 दिनों में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो, कंपनी अपने नेट इनकम का कितना हिस्सा डिविडेंड में देती है उसे डिविडेंड पे आउट रेशियो कहते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एनुअल डिविडेंड पेमेंट्स डिवाइडेड बाय नेट इनकम मल्टीप्लाइड बाय 100, और पर शेयर बेसिस पे फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100। अब तक हमने डिविडेंड और डिविडेंड से रिलेटेड टर्म्स के बारे में जाना, अब हम डिविडेंड के टाइप्स के बारे में जानते हैं। कंपनी कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल ईयर के बीच में डिविडेंड देती है तो उसे हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। यहां फाइनेंशियल ईयर से मेरा मतलब है 1 अप्रैल to 31 मार्च। वहीं अगर डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर के एंड में दिया जाए तो उसे फाइनल डिविडेंड कहा जाता है। कभी कभी कुछ स्पेशल सिचुएशंस में कंपनियां वन टाइम डिविडेंड देती है जिसे स्पेशल डिविडेंड कहा जाता है। ये स्पेशल डिविडेंड कंपनी को हुए अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट या किसी एसेट सेल या किसी और वजह से मिले पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया जाता है। ये स्पेशल डिविडेंड साल में कभी भी दिया जा सकता है। पहले डिविडेंड के चेक्स आपको बाय पोस्ट भेजे जाते थे और आपको इन चेक्स को बैंक में जमा करना पड़ता था, पर अब यह डिविडेंड डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। डिविडेंड के बारे में इतना सब जानने के बाद आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि लोग डिविडेंड देने वाली कंपनियों में क्यों इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इसका रीजन ये है कि जब कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो उन्हें पॉजिटिव और हेल्दी कंपनी माना जाता है, क्योंकि मार्केट को ये लगता है कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है और कंपनी के पास इतना पैसा है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस अच्छे से रन कर रही है
और साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को कुछ पैसा भी लौटा रही है। ओके गाइस, तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करता हूं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।